हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सिरमौर रियासत की हिस्ट्री के बारे में, यानी सिरमौर का इतिहास हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि फाउंडर कौन थे सिरमौर रियासत के, यानी संस्थापक कौन थे। तो यहाँ के संस्थापक आते हैं राजा रसालू, राइट? राजा रसालू जो हैं वो सिरमौर के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, राइट? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जो शिमला और सिरमौर के प्राचीन काल के निवासी थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, राइट? तो उन्हें जाना जाता था कुलिंद नाम से, कुलिंद नाम से, या कुछ बुक्स में कुनिंद भी दिया होता है, राइट? सो सिरमौर रियासत के जो प्राचीन मतलब एंशियंट टाइम में वहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हें कुलिंद या कुनिंद नाम से जाना जाता था। प्लस एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सिर्फ सिरमौर ही नहीं, शिमला के भी जो पहले जो वहाँ पे निवासी थे प्राचीन काल में निवासी, शिमला प्लस सिरमौर के प्राचीन निवासियों को कुलिंद या कुनिंद नाम से जाना जाता था, राइट? सो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा कि फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे राजा रसालू, राइट? सो यहाँ पे क्या है, सिरमौर का नाम सिरमौर क्यों पड़ा, इसके लिए बहुत सारी अजम्पशंस हैं, तो हम उन्हीं सभी अजम्पशंस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट अजम्पशन ये रहती है कि मे बी जो राजा रसालू थे ये सिर्फ किसी सिरमौर देवता की पूजा करते होंगे, राइट? तो पहली अजम्पशन तो ये आती है कि किसी सिरमौर नाम के देवता की पूजा करते होंगे, तो मे बी इसलिए सिरमौर का नाम सिरमौर पड़ा, राइट? देन सेकंड अजम्पशन क्या आती है, मे बी इनके एंसेस्टर्स यानी कि जो पूर्वज थे राजा रसालू के, मे बी उनका नाम सिरमौर हो, मतलब सिरमौर वंश के हों, इसलिए इन्होंने अपनी रियासत का नाम सिरमौर रखा। दूसरी जो अजम्पशन है वो ये हो सकती है। तीसरी अजम्पशन आती है कैपिटल, कैपिटल मीन्स राजधानी। ये माना जाता है कि क्या पता मे बी यहाँ की राजधानी जो है वो सिरमौर हो, इसलिए इस रियासत का नाम जो है आज की डेट में सिरमौर के नाम पे है। इसलिए बहुत सारी एजम्पशंस हैं, कोई पर्टिकुलर ऐसे डिटेल्स नहीं है कि सिरमौर का नाम सिरमौर क्यों है। एंड देन सिरमौर का मीनिंग, सिरमौर का अर्थ क्या है, सिरमौर का अर्थ है सिर पर मौर्य। अब इसका क्या मतलब है, सिर पर मौर्य का मतलब है कि जिस टाइम पे मौर्य साम्राज्य चल रहा था, राइट? मान लीजिए यहाँ पे मौर्यास जो है वो रूल कर रहे थे, यहाँ पे मौर्यास का शासन है, सो यहाँ पे कहीं सिरमौर जो है वो सिचुएटेड होगा, राइट? यहाँ पे कहीं सिरमौर सिचुएटेड होगा, तो इसलिए कहा जाता है इसे सिर पर मौर्य, यानी जो मौर्य लोग थे उनके सर पर सिचुएटेड था, इसलिए मे बी इसका नाम जो है वो सिरमौर हो। तो ये सभी तो एजम्पशंस थी कि नाम क्यों क्यों सिरमौर हो सकता है, राइट? देन हम एक बहुत ही फेमस बुक पढ़ते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है त्वारिक की रियासत सिरमौर, त्वारिक ए रियासत सिरमौर। ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन यहाँ से भी डायरेक्टली भी आता है कि ये बुक किसने लिखी है, सो दिस बुक इज रिटन बाय कन्वर रंजौर सिंह, राइट? सो ये बुक जो है वो कन्वर रंजौर सिंह ने लिखी है। तो इस बुक के अकॉर्डिंगली जो सिरमौर रियासत थी, राइट, जो सिरमौर रियासत थी उसका पुराना नाम क्या था, इस रियासत का पुराना नाम था सुलोकिना, राइट? जो सिरमौर रियासत थी उसका पुराना नाम था सुलोकिना। किसके हिसाब से, त्वारी की रियासत सिरमौर, इस बुक के अकॉर्डिंगली सिरमौर का पुराना नाम था सुलोकिना। एंड यहाँ की कैपिटल, राइट, फिर हम यहाँ के कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ की कैपिटल थी सिरमौरी ताल, राइट? सिरमौर की कैपिटल थी सिरमौरी ताल, इस बुक के अकॉर्डिंगली। और इसके फाउंडर जो हैं इस बुक के अकॉर्डिंगली भी राजा रसालू ही आते हैं। और इस बुक के अकॉर्डिंगली राजा रसालू को किस तरह से मेंशन किया गया है, इस बुक में लिखा गया है कि सिरमौर, जिसका पुराना नाम सुलोकिना था, जहाँ की कैपिटल यानी कि राजधानी सिरमौरी ताल थी, उसकी स्थापना 1139 AD में, यानी कि 1139 ईस्वी में राजा रसालू ने की, राइट? और राजा रसालू जो हैं वो जैसलमेर के राजा थे, एक साल वाहन फर्स्ट उनके बेटे बताए गए थे, राइट? जैसलमेर के रूलर आते हैं साल वाहन फर्स्ट, उनके रूलर उनके बेटे बताए गए थे,
राइट. सो ये हमने पढ़ा सिरमौर के बारे में. अब हम यहाँ पे एक और एजम्पशन पढ़ते हैं कि क्या होता है आगे. जैसे राइट, तो 1934 में एक गैजेटियर हो छपता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द गैजेटियर ऑफ सिरमौर क्या होता है, जैसलमेर के राजा थे सालवाहन सेकंड. सालवाहन ये भी एक एजम्पशन ही है, बट ये गैजेटियर में छपी है तो थोड़ी ज्यादा वैलिड हो जाती है, राइट. तो 1934 में सालवाहन टू ये एक रूलर थे, राइट. ये एक रूलर थे जैसलमेर के, जिनका नाम उग्रसेन रावल भी मेंशन किया जाता है. सालवाहन टू उग्रसेन रावल थे, ये एक बार हरिद्वार गए हुए थे, राइट. हरिद्वार गए थे तीर्थ यात्रा के लिए. वहां पे इन्हें पता चलता है कि सिरमौर में राजगद्दी जो है वो खाली है. तब इन्हें रिकमेंडेशन देते हैं एक पर्सन. ये पर्सन, इन पर्सन का नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनका नाम है होशन राय नाथ, राइट. तो जब ये हरिद्वार जाते हैं, जब इन्हें पता चलता है कि सिरमौर में राजा की गद्दी खाली है, तो इन्हें एक रिकमेंडेशन दी जाती है बाय होशन राय नाथ. रिकमेंडेशन मतलब एक रिकमेंडेशन दी जाती है, एक आइडिया सा दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है बाय होशन राय नाथ कि आप वहां पे अपने बेटे को भेजिए और वो वहां पे अपना रूल एस्टेब्लिश कर सकता है. तो सालवाहन टू क्या करते हैं, अपने बेटे शोभा रावल, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे रावल रावल नाम चल रहा है, सरनेम रावल चल रहा है, शोभा रावल वहां पे जाते हैं सिरमौर में और अपना जो एम्पायर है वो एस्टेब्लिश करती हैं. और शोभा रावल का नाम बाद में पड़ता है शुभंश प्रकाश, राइट. तो बाद में इनका नाम पड़ता है शुभंश प्रकाश. और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या होता है 1095 में ये कैपिटल ले जाते हैं राजबन. पहले हमने कैपिटल पढ़ी थी सिरमौरी ताल, अब हम कैपिटल पढ़ रहे हैं राजबन, राइट. नेक्स्ट रूलर आते हैं सुमेर प्रकाश, राइट. नेक्स्ट रूलर आते हैं सुमेर प्रकाश. अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्यों है कि इन्होंने भी राजधानी को बदला. हमने इससे पहले पढ़ा कि उदित प्रकाश ने राजधानी राजबन से कलसी ले आई, तो सुमेर प्रकाश जो थे ये अपनी राजधानी ले आते हैं रितेश, राइट. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रितेश के बारे में पढ़ना, क्योंकि रितेश जो है वो हिमाचल की सबसे छोटी रियासत थी, राइट. सबसे छोटी रियासत थी हिमाचल की रितेश, तो इसलिए भी आपको पढ़ना पड़ता है. सुमेर प्रकाश ने सबसे पहले क्या किया, रितेश को कैप्चर किया, रितेश पे कब्जा किया, क्योंकि रितेश जो है कियोंथल के पास थी उस टाइम. पहले रितेश को कैप्चर किया और फिर रितेश को अपनी राजधानी बनाया, जो कि हिमाचल की सबसे छोटी रियासत है थी. देन नेक्स्ट रूलर हम सुमेर प्रकाश के बाद पढ़ते हैं सूरज प्रकाश, राइट. सुमेर प्रकाश के बाद आते हैं सूरज प्रकाश. अब सूरज प्रकाश का भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इन्होंने जुब्बल बालसन ठियोग कुमारसेन कोटगढ़, राइट. एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जुब्बल बालसन ठियोग कुमारसेन कोटगढ़ इन सब एरियाज को पहले तो कैप्चर किया, उसके बाद इन्हें लगान यानी कर देने के लिए विवश किया सूरज प्रकाश ने. और इनकी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, इनकी इंपॉर्टेंट चीज भी आती है कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन. इन्होंने भी राजधानी को स्थानांतरित किया, रितेश से वापस ले आए कलसी, राइट. तो यहाँ पे सिरमौर में मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं स्टार्टिंग में, तो वो राजधानियों से ही बनते हैं, क्योंकि बहुत बार यहाँ की राजधानियां चेंज होती हैं. अब आपने ध्यान दिया होगा, हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि उदित प्रकाश राजधानी राजबन से कलसी ले गए, और हमने यहाँ पढ़ा कि सूरज प्रकाश रितेश से राजधानी कलसी लाए. तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि कौन से राजा रितेश से कलसी लाए राजधानी, तो आपको वहां पे सूरज प्रकाश टिक करना है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन उदित प्रकाश भी होता है. तो हमने तो सिर्फ इतना याद किया होता है कि कौन से राजा ने कौन सी राजधानी बनाई, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं. तो आपको सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट है इसको इस तरह से पढ़ना है कि रितेश से कलसी जो लाए थे राजधानी, वो लाए थे सूरज प्रकाश, राइट. फिर नेक्स्ट रूलर आते हैं, ये आते हैं भगत प्रकाश. सीक्वेंस चाहे याद रहे या ना रहे, बट ये कैपिटल्स आपको याद रहनी चाहिए. भगत प्रकाश के टाइम में एक इंपॉर्टेंट नाम हम पढ़ते हैं. सबसे पहले तो आपको इनके नाम के साथ ही याद रखना है एक नाम, और वो है फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक अगर आपको याद होगा, कांगड़ा की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी का जो मंदिर था वहां से सारी की सारी
बुक्स जो हैं उनको उठाकर, हिंदू धर्म की बुक्स को उठाकर ये ले जाते हैं, फिर फारसी में अनुवाद करवाते हैं, तो हम वहाँ पे कांगड़ा में इसको पढ़ते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। भगत प्रकाश, इनके टाइम में फिरोज शाह तुगलक जो है वो दिल्ली में रूल कर रहे थे, मतलब एक तरह से भगत प्रकाश जो है वो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे, राइट। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे कैप्चर किया था सिरमौर को, राइट। इन्होंने भगत प्रकाश के टाइम में सिरमौर को कैप्चर किया और सिरमौर को अपनी जागीर बनाया, राइट। इसके बाद हम पढ़ते हैं वीर प्रकाश। वीर प्रकाश, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फिर से कैपिटल चेंज होती है, राइट। अब कैपिटल जाती है हमारी हार्ट कोटी। हार्ट कोटी, अगर पता होगा आप लोगों को, ये शिमला में हार्ट कोटी एक टेम्पल भी आता है, भगवती दुर्गा टेम्पल, राइट। तो हम वही उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो वीर प्रकाश कैपिटल ले गए हार्ट कोटी, जो कि आज की डेट में शिमला डिस्ट्रिक्ट में आती है। दूसरी बात ये कि ये पब्बर रिवर के बैंक पर है, यानी पब्बर नदी के तट पर स्थित है ये जगह हार्ट कोटी, और इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाया, राइट। इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाया एक मंदिर, कौन सा? भगवती दुर्गा मंदिर, राइट। सो वीर प्रकाश ने भगवती दुर्गा मंदिर कंस्ट्रक्ट करवाया हाटकोटी में, और इन्होंने यहाँ पे किला भी बनाया। ये किला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रावीन गढ़ फोर्ट। किसने बनाया? ये बनाया वीर प्रकाश ने। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है, राइट। इसके बाद यहाँ पे एक थोड़ी डिफरेंट सी चीज हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम चार रूलर्स पढ़ेंगे, राइट। और उन चार रूलर्स के बारे में कुछ खास नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट इतना है कि उन्होंने कैपिटल्स को चेंज किया, राइट। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले निकट प्रकाश, निकट प्रकाश जो है वो हार्टकोटी से कैपिटल को ले आए नेरी, राइट। कैपिटल ले आते हैं वो नेरी। फिर आते हैं गरव प्रकाश। गरव प्रकाश ये ले आते हैं कैपिटल को जोगड़ी फोर्ट या जोगड़ी किला, राइट। फिर थर्ड आते हैं भ्रम प्रकाश। भ्रम प्रकाश ये ले आते हैं कैपिटल को देव थल, राइट। एंड नेक्स्ट आते हैं धर्म प्रकाश, ये ले आते हैं कैपिटल को कहाँ? कलसी। अब देखिए तीन क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने किया कि राजवंश से कलसी कौन लेके गया, फिर हमने किया रितेश से कलसी कौन लेके गया, अब क्वेश्चन बनता है कि देवथल से कलसी कौन लेकर गया। तो ये क्वेश्चन हमें याद करने हैं। एक बार इन चारों कैपिटल्स को रिवाइज कर लेते हैं। निकट प्रकाश लाए कैपिटल नेरी, गर्व प्रकाश लाए जोगड़ी फोर्ट, ब्रह्म प्रकाश लाए देवथल, एंड धर्म प्रकाश लाए कलसी, राइट। सो हम इसी तरह से यहाँ पे सारे रूलर्स पढ़ेंगे, बट इन चार रूलर्स के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए ये टेबल के थ्रू मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, राइट। देन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रूलर की तरफ। नेक्स्ट रूलर यानी नेक्स्ट राजा जो आते हैं वो आते हैं दीप प्रकाश, राइट। अब दीप प्रकाश ने क्या किया? इन्होंने भी बहुत अच्छा, एक बहुत सुंदर मंदिर जो है सिरमौर में बनाया। तो दीप प्रकाश ने बनाया वहां पे बाला सुंदरी मंदिर, और बाला सुंदरी मंदिर डायरेक्टली भी आता है कि ये मंदिर कहाँ है। बाला सुंदरी मंदिर है त्रिलोकपुर सिरमौर में, राइट। जो बाला सुंदरी मंदिर है दीप प्रकाश ने बनाया, इसका सन भी आता है यानी कौन से ईयर में बनाया, 1573। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन से राजा थे जिन्होंने बाला सुंदरी टेम्पल बनाया त्रिलोकपुर सिरमौर में, वो थे दीप प्रकाश, और कब बनाया? 1573 में। देन नेक्स्ट आते हैं करम प्रकाश। अब ये भी आप सबको अगर पता ही हो, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, नहीं पता तो आपको बता देती हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको अभी जस्ट विद इन अ मिनट पता चल जाएगा। जो करम प्रकाश थे, इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नाहन सिटी को फाउंड किया, यानी नाहन शहर को फाउंड किया, राइट। इन्होंने नाहन में एक किला बनाया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नाहन सिटी को फाउंड किया, नाहन में एक किला बनाया, और नाहन को ही अपनी राजधानी भी बनाया।
नाहन शहर की स्थापना की, नाहन में किला बनाया और नाहन को अपनी राजधानी बनाया, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। और राजधानी कब बनाया इस तरह से भी क्वेश्चन आता है 1621 ईस्वी में। और इन्होंने वहां पे एक टेम्पल भी बनाया था, एक मंदिर बनाया था, जगन्नाथ मंदिर बनाया इन्होंने। और ये क्वेश्चन भी आता है कि इन्होंने जगन्नाथ मंदिर किसके रिकमेंडेशन पे बनाया, किसके सुझाव पे बनाया, तो वो बनाया इन्होंने बाबा बनवारी दास के सुझाव पे, क्योंकि जो बाबा बनवारी दास थे उनके बहुत बड़े फॉलोअर थे करम प्रकाश, राइट। फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं मंधाता प्रकाश, मंधाता प्रकाश के बारे में कुछ खास नहीं है, इनके बारे में सिर्फ इतना आता है कि जो मंधाता प्रकाश थे ये शाहजहां के कंटेम्प्रेरी थे, यानी शाहजहां के समकालीन थे, मतलब जिस समय दिल्ली में शाहजहां रूल कर रहे थे यहाँ पे मंधाता प्रकाश जो है वो रूल कर रहे थे, राइट। फिर इसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट रूलर, इस तरह से लिख देती हूँ, मेदनी प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके टाइम में गुरु गोविंद सिंह जो है वो नाहन, गुरु गोविंद सिंह जी नाहन और पौंटा आए थे। यहाँ पे लिख देती हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी मेदनी प्रकाश के टाइम में नाहन और पौंटा आए थे, राइट। और इन्हीं के टाइम में 1686 ईस्वी में बैटल ऑफ भंगानी यानी भंगानी का युद्ध हुआ था। और अगर आपने पहले से हिस्ट्रीज पढ़ रखी हैं आपको पता होगा कि भंगानी का युद्ध 1686 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ था, गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा यानी कि बिलासपुर के रूलर भीमचंद के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ भंगानी बहुत ही फेमस बैटल रहती है, राइट। सो हमने यहाँ पे अभी तक पढ़े कुछ रूलर्स के बारे में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी रूलर्स रह गए हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कैसा लगा। एंड अगर आप जनरल स्टडीज़ के अगर प्रिपेयर कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ के लिए या किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए जिसमें जीएस का जो है इंपॉर्टेंट वेटेज रहती है, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड सारी की सारी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अदर रूलर्स के साथ। Okay, bye-bye, see you soon.